दोस्तों, आपको गोपाल लज्जू का नमन। मंदिर हम लोग जाते हैं, सब अपने अपने कर्म करते हैं, अपने अपने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी आस्था, उसके अनुसार अच्छे से अच्छा करता है हर व्यक्ति। मगर अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अवॉइड कर देते हैं, जिनको हम फॉलो नहीं करते, और उसका परिणाम क्या होता है, जो पूर्ण फल है हमें प्राप्त होना चाहिए सेवा से, वो नहीं मिलता। नारद पांचात्र में वर्णन मिला है कि कुछ नियम हैं जो अवॉइड करने चाहिए, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए अगर पूर्ण फल की प्राप्ति लेनी है। देखिए, ये हम बड़े तो सीख सकते हैं, मगर ये जो देने का उद्देश्य है मेरा, वो उद्देश्य है कि ये बच्चों में संस्कार पैदा करें कि बच्चे इन चीजों को अवॉइड करें। देखिए, वही बीज है, जो संस्कार बच्चों में भरे जाएंगे वही आगे बढ़ेंगे, और अगर हम संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, तो आप देख ही रहे क्या हो रहा है, क्या मानसिकता हो रही है लोगों की मंदिर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, है ना। ये सब हम और कुछ हमारे मीडिया ने और बिगाड़ दिया, इनके कार्टून्स बना के, इनको एक एक हास्य का पात्र बना के। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, इनको बच्चों को सिखाना है, तभी हम बच्चों में संस्कार पैदा कर सकते हैं। ये जो नियम बने हैं, ये अगर देखा जाए तो सबको पता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इनका अच्छे से वर्णन मिलता है, मगर वही बस कि आलस्यवश एक इग्नोरेंस है, हम उसको अवॉइड कर जाते हैं। तो ये कुल 32 नियम बताए गए हैं, 32 रूल बताए गए हैं कि ये अवॉइड करना चाहिए, इनको मंदिर में नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, देखिए ये क्या है 32 नियम। वाहन पे चढ़ के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चरण पादुका पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जूते पहन के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। उत्सव तिथियों में भगवान के उत्सवों को नहीं जाना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें इस चीज का। भगवान को, प्रभु को सामने से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पीठ पीछे से दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपवित्र अवस्था हो, झूठे मुंह हो, इससे भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। एक हाथ से कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु के विश्राम का समय है या प्रभु के भोजन का समय है, तब उस समय मंदिर की प्रदक्षिणा, मंदिर की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, उनकी तरफ पैर नहीं होना चाहिए, उनके तरफ पैर पसार के बैठना भी नहीं चाहिए। अगर प्रभु के सामने बैठ रहे हैं तो अपने कटी प्रदेश और पैरों पे कपड़ा डाल के बैठना चाहिए। भगवान के सम्मुख पान नहीं खाना चाहिए, या इलायची, सुपारी, इस टाइप के कोई चुंगम, ये चीजें खा के प्रभु के मंदिर में या प्रभु के सामने नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सम्मुख लेटना नहीं चाहिए, भगवान मूर्ति के सामने बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। प्रभु के मंदिर में मिथ्या भाषण, प्रभु के मंदिर में अननेसेसरी चर्चा, जगत चर्चा, ये कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु के सम्मुख कभी भी कोलाहल नहीं करना चाहिए, मंदिर में कभी भी वाद परिवाद नहीं करें, किसी भी मंदिर में। मंदिर परिसर में प्रभु की या किसी और व्यक्ति की, अपने स्नेही की, अपने परिजन की कभी की निंदा या परनिंदा, ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान के मंदिर में दुखी होकर रोना चाहिए, अपनी अपनी आत्मा की आवाज प्रभु के कानों में डाल के इतना इतना भाव विभोर हो जाए कि आंसू निकलने लगे, रोने लगे। मंदिर में एक दूसरे से लड़ना कभी नहीं चाहिए, मंदिर में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, भगवान के सम्मुख किसी को मारना नहीं चाहिए, प्रभु के सम्मुख कभी भी कोई कुटिल वार्ता या कभी कोई हंसी मजाक
हंसी ठट्टा इस टाइप की चीजें कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। प्रभु मूर्ति के सामने या भगवान किसी विग्रह के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए कभी। भगवान के सम्मुख मंदिर में गुरुदेव तथा श्री वैष्णव से अतिरिक्त कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभु के सामने कभी भी स्वयं की प्रशंसा, अपनी अपनी अपने मियां मिठू बनना अपने मुंह, ये कभी नहीं करना चाहिए मंदिर में। देवों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी मंदिर में। जो वस्त्र स्वयं यूज कर रहे हैं उन वस्त्रों से कभी भी प्रभु को पर्दा नहीं करना चाहिए, उनकी ओट नहीं करना चाहिए। मंदिर परिसर में कभी भी अपान वायु नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। सामर्थ्य होने पर भी भगवान को अपूज रखना चाहिए। प्रभु को निवेदित किए बिना भोजन करना, पेय लेना, भगवान को निषिद्ध वस्तुओं का भोग लगाना, ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये वो 32 नियम हैं जो लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, मगर इन नियमों को, 32 नियमों को विशेष तौर पे बल दिया गया है कि इनको अवॉइड करें। और ये वो नियम है, देखिए, जो हमें अपने बच्चों में संस्कार पैदा करने हैं।